ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਾਰਡ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਆਫਿਸਰ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਉਹ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1/11/2017 'ਚ ਡਿਊ ਸੀ, ਪਰ IBA ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਡੀਸੈਂਟ ਵੇਜ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, 5-day ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ IBA ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। AIBOC का जनरल सेक्रेटरी रिटायर हुआ 2008 में। आज सबसे जो नई बात हो रही है कि जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं वो तो हड़ताल कर रहे हैं। अब ये बात है कि हड़ताल का जिम्मेवार कौन है, हमेशा कहा जाता है एम्प्लॉयज़ करते हैं, मगर जिम्मेवारी सरकार की है। गुजरात हाईकोर्ट में एक केस लगाया ट्रेडर्स ने सूरत से, तो वहाँ पर सबसे पहली बात ये की है कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट का कहना है कि इनकी सैलरी काटी जाए। अरे उनको ये नहीं मालूम कि जब भी बैंकों में हड़ताल हुई है सैलरी तो अपने आप ही कट जाती है। ये पहला अदारा है जहां हड़ताल पे जाने से अपने आप सैलरी कटती है। आज जितने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नंबर भी 10 लाख से ज़्यादा होगा देश भर में। मैं तो ये कह रहा हूँ, आज ऑफर दे रहा हूँ कि हम जितने रिटायर्ड हैं हमारी भी एक दिन की पेंशन काटी जाए। सर्विंग एम्प्लॉयज़ की तो सैलरी काटी जाती है, तो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की भी एक दिन की पेंशन काट लो आप, मगर जिम्मेवारी फिक्स करो कि इसकी जिम्मेवारी है या किसकी। हिंदुस्तान दे विच यूनाइटेड फॉरम बैंक यूनियन जिसकी 10 लाख तो बाद मैंबरशिप है ऑफिसर ते वार्ड स्टाफ की, 2 दिनों की हड़ताल देने अज और कल, और हड़ताल साड़ी वेज रिविजन जो कि 1 नवंबर 2017 तो पेंडिंग है, 5 साल बाद साड़ी बैंक कर्मचारी ते अधिकारी दी जो साड़ी तनख्वाह है वो 5 साल बाद बढ़ी है, और असी जो चार्टर ऑफ डिमांड है 1 नवंबर 2017 तो मीन मई तो असी जिहड़ा 6 महीने पहला असी अपना चार्टर ऑफ डिमांड सरकार नूं दित्ता, सरकार दी कानूनी हक इंडियन बैंकर एसोसीएशन सरकार दे इशारे दे उत्ते जो सानू सिर्फ वेज रिविजन 2% की इनक्रीज देने दे लई ऑफर किया, और यूनियन ने इसनों रिजैक्ट किया 2% तो 3%, 4%, 6%, हूँ जी है 12%, क्योंकि जो साड़ी डिमांड है वो 20% की डिमांड है। क्यों? साड़ी बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि सरकार ये कह रही है अखबारों के एडवरटाइजमेंट दे रही है भी बैंकों की पोजिशन नहीं कि असी इन्हों की तनखा बढ़ा सकी, जो बैंकों की पोजिशन बैंकों के ओपरेटिंग प्रॉफिट तो लगती है ना कि नैट प्रॉफिट तो लगती है, जो बैंकों का ओपरेटिंग फेटिंग अज भी कितने ज़्यादा, क्योंकि नैट प्रॉफिट इस तरह है क्योंकि जिन्हें जिन्हें व्डे तनाड़ ने उन्हों का जो करजा आ बैंक माफ़ कर देने, जो बैंक करजा माफ़ कर दिता वो जो ओपरेटिंग प्रॉफिट नैट प्रॉफिट जो ओपरेटिंग प्रॉफिट जो कर जाता, इस करके सरकार कह रही है कि बैंक जोड़े घाटे देने बैंक मुलाजम ज ऑफिसर के कारण घाटे तो नहीं है, जोड़े बैंक घाटे दे सरकार दीतियाँ सरकार के सिस्टम के खिलाफ ने, क्योंकि असं बहुत सारी कह चुके हैं भी जोड़ा बैंकों का डुबया करजा वापस लोग नहीं दे रहे, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕਾਲ ਸੀ UFBU ਦੀ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ,
जिहड़ी साडी डिमांड सी 15% गवर्नमेंट ने वेज हाई करन दा दित्ता, मगर असी वो डिमांड नहीं मन्नी। साडी मेजर डिमांड्स जिहड़ी हैगियां ने 5 डे बैंकिंग है, जे रिजर्व बैंक 5 दिन बंद हो सकता है ते बाकी बैंक क्यों नहीं। हुण हर वार कस्टमर सानू फोन करके पुछदा भाजी अज शनिवार खुला है कि बंद है, ना ही शनिवार इन्ना कस्टमर आंदा है ब्रांच कि जिन्ना कि खर्चा हो जाता है बैंक का। पता नहीं गवर्नमेंट सुती हुई है, कुछ एनालाइज करती नहीं है, बस मोदी नू जो नज़र आता है कि मैं किहड़े कारपोरेट हाउस नू फायदा देना है, बस उधर फायदा देने वाल तुरे हुए ने, ना ही बैंकिंग वाल ध्यान है इन्हां दी। बस साडी डिमांड सी वेज रिविजन, साडी नवंबर 2017 दी ड्यू है जिहड़ी हजे तक भी फाइनल नहीं हुई। ठीक है, फिर पेंशन स्कीम खत्म हो गई, न्यू पेंशन स्कीम लैके आई सी गवर्नमेंट 2010 च, जिहड़ी मार्केट नाल लिंक्ड है। असी हर महीने पैसे कटाने हैं, थोड़े पैसे बैंक पाता है, मगर सानू यह नहीं पता जिन्ने पैसे अज कट्ठे हुए हैं सानू आने वाले टाइम च वो पैसे मार्केट नाल लिंक ने, सानू उन्ने पैसे मिलने हैं कि नहीं मिलने, साडा फ्यूचर सिक्योर हैगा कि नहीं होगा। साडी होर डिमांड है 5 डे बैंकिंग की, जे 5 डे बैंकिंग जरूर होनी चाहिए है। इन्होंने एक शनिवार हर सैकेंड तो 4 सैटरडे बंद होंगे, जरा फस्ट तो 3rd सैटरडे है। सानू कस्टमर का स्पैशली फोन आता है भाजी अज बैंक खुला, कस्टमर भी नहीं आने राजी उदन। किन्ने दिन वास्ते हड़ताल है? साड़ी 2 दिन की हड़ताल है, तीजे दिन संडे है। साडा हड़ताल का भी मुद्दा सी एक बजट पेश होना, एक देख लो जी पहली बार काला इतिहास होना है कि जिदन बजट पेश हो रहा है तो बैंक बंद ने, हड़ताल है, सानू मजबूर किया जा रहा है, सानू रिस्पैक्टेबल वेज रिविजन की जाए, साडियां मंगां मनिया जान, असी सरकार दे नाल हमेशा खड़े हाँ। कभी वो नोटबंदी हो गई, हुण टैग फास्ट टैग जी, फास्ट टैग भी बैंकों तो लो, आधार कुछ ठीक कराना वो भी बैंकों तो कराओ, असी तो डिपोजिट वाल जानते नहीं पे। अभी तो साड़ी जे सरकार नहीं मंग मनी जाती, साड़ी 11, 12, 13 मार्च की हड़ताल का असी नोटिस उन्होंने दिता होया, जो उदों भी नहीं मनी गई फिर साड़ी 1 अप्रैल तो इनडेफिनेट स्ट्राइक है। फिर जिनी देर तक साड़ी सारी मंगा नहीं मनिया जाएगियां असी उन्नी देर तक बैंक च नहीं जावांगे।